हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट लेक्चर्स डॉट कॉम। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो ये टॉपिक है डीबीएमएस का और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के परस्पेक्टिव से देखते हैं। बहुत सारे लोग इस टॉपिक को छोड़ ही देंगे क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो है उनके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स के बारे में। सीरियलाइजेबिलिटी क्या है, रिकवरेबिलिटी क्या है, टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। सो हम आज इसको बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में देखने वाले हैं कि टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या है, ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल क्या है, कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज क्यों करते हैं। तो हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो पहले हम देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन एंड गोल्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल का गोल क्या है और प्रोटोकॉल एक्चुअल में होते क्या हैं। टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल, पहला प्रोटोकॉल जो हम देखेंगे वह है टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जैसे बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल हो गया, स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग हो गया, रिगरेस हो गया और कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल हो गया। तो ये सब क्या है, वेरिएशंस हैं और हर एक चीज़ में कुछ रेस्ट्रिक्शन रख रहे हैं। जैसे बेसिक टू फेस लॉकिंग में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, फिर उसके बाद में और रेस्ट्रिक्शन बढ़ा के हमने स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग कर दिया, स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग में ही हमने एक और रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दी तो वो रिगरेस बन गया, इसी तरह कंजर्वेटिव आया। तो हर एक प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके फायदे देखेंगे और उसके नुकसान देखेंगे, हर एक प्रोटोकॉल में क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरी हैं। उसके बाद में हम देखेंगे ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद में टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में स्टारवेशन एंड डेडलॉक हेल्डिंग। स्टारवेशन क्या है, स्टारवेशन एक प्रॉब्लम है, उसको हम देखेंगे एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या और किस किस प्रोटोकॉल में स्टारवेशन आ सकता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं डेडलॉक अगर आपके पास में आता है, लेट्स से अगर कोई डेटा आइटम है और दो लोग उसे एक साथ में एक्सेस करना चाह रहे हैं और दोनों ही वेट कर रहे हैं तो वो डेडलॉक में है, उसको हम देखने वाले हैं कि डेडलॉक अगर आएगा तो किस रीजन से आएगा, अगर डेडलॉक आ गया तो कैसे हैंडल करेंगे या फिर कैसे इंश्योर करें कि डेडलॉक आए ही ना। तो हम बहुत सारी अप्रोच देखने वाले हैं डेडलॉक हैंडलिंग के लिए। सो पहली चीज़ है हमारा प्रोटोकॉल क्या है, इंट्रोडक्शन एंड गोल्स ऑफ लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो हमें एक चीज़ पता है कि हमने जैसे सीरियलाइजेबिलिटी में बात की थी, सीरियलाइजेबिलिटी हमने ये बात की थी कि हम कोई भी ऐसा शेड्यूल नहीं चाहते अपने अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एग्जीक्यूट करना जो कि सीरियलाइजेबल ना हो और रिकवरेबल ना हो। तो पहली चीज़ हमें समझ में आएगी कि जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं उनका मेन गोल यही है कि वो ऐसे शेड्यूल हमें दें जो सीरियलाइजेबल भी हो और रिकवरेबल भी हो। अगर हम बात करें कि मेरे पास में एक ट्रांजेक्शन है और उसको मैं चेक कर सकता हूँ कि वो सीरियलाइजेबल है या नहीं है, तो मैं सिंपली ये क्यों नहीं कर सकता, मुझे प्रोटोकॉल की ज़रूरत ही क्या है, मैं सिंपली ये क्यों नहीं कर सकता कि जो भी ट्रांजेक्शन आया उसको चेक करूँ कि वो सीरियलाइजेबल है या नहीं है। एक्चुअल में यहाँ प्रॉब्लम है, सीरियलाइजेबिलिटी चेक करना जो प्रॉब्लम है ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। अगर आपके पास में कोई ट्रांजेक्शन आया और आपको चेक करना है लेट्स से कि ये आपका सीरियलाइजेबल है या नहीं है, तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करना किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम मीन्स वो प्रॉब्लम जिनके लिए अभी तक कोई एल्गोरिथम नहीं है, हम बता नहीं पाए हैं कि उनको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, अगर सॉल्व कर सकते हैं तो कितने टाइम में कर सकते हैं। एक चीज़ हमें पता है कि डेफिनेटली हम इसको पॉलीनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ओके इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, इसलिए हम सीरियलाइजेबिलिटी चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम कुछ प्रोटोकॉल डिजाइन कर सकते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब कि सिंपली एल्गोरिथम है, कि हम एक एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं जो ऐसे शेड्यूल को ही अलाउ करें, जो ऐसा कुछ हमें दें जिससे कि आपका शेड्यूल सीरियलाइजेबल बन जाए। आप सिर्फ एक पार्ट का आंसर कर सकते हो, यानी कि एक्सेप्ट वाला पार्ट का, हाँ वाले यस वाले पार्ट का। मतलब आप क्या करोगे, आपने एक प्रोटोकॉल बनाया और वो प्रोटोकॉल आपको डेफिनेटली सीरियलाइजेबल शेड्यूल देगा ही देगा। अगर आप जो आपका ट्रांजेक्शन है उसको आप शेड्यूल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल और ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल और ट्री बेस्ड प्रोटोकॉल और एनी टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल, तो आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, अलाउ कर दोगे एग्जीक्यूट करना, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है। वो चीज़ क्या पता है, आपको ये पता है कि मेरा प्रोटोकॉल मुझे जो भी शेड्यूल देगा वो डेफिनेटली सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा। ओके, अगर वो शेड्यूल सीरियलाइजेबल नहीं है तो टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में भी अलाउ होगा ही नहीं। ओके, तो टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल जिस भी शेड्यूल पे टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल ढंग से लग जा रही है वो शेड्यूल आपका डेफिनेटली सीरियलाइजेबल है ही है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अपनी टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल की एल्गोरिथम लगाएंगे, अगर वो एल्गोरिथम सही चल गई तो आप उसको उस शेड्यूल को अलाउ करोगे डेटाबेस में, नहीं तो नहीं करोगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई शेड्यूल सीरियलाइजेबल नहीं है तो डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी ला सकता है जो हम नहीं चाहते। हर एक वो शेड्यूल जो सीरियलाइजेबल नहीं है वो इनकंसिस्टेंट होगा ही होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो भी शेड्यूल हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर, पहली चीज़ तो वो सीरियलाइजेबल हो, दूसरा रिकवरेबल हो। तो पहला गोल जो आपका लॉकिंग प्रोटोकॉल का है वो यही है कि इंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी एंड रिकवरेबल शेड्यूल्स। लेकिन रिकवरेबल ही नहीं, हम चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल हो। ओके, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल।
तो अगर आप बात करो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल की, हम डेफिनेशन देख चुके हैं रिकवरेबिलिटी में कि सिंपल रिकवरेबल शेड्यूल्स हैं, उसके बाद में कैस्केड लेस रिकवरेबल शेड्यूल्स हैं, उसके बाद में स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल्स हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल मिले। स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल मीन्स जो कैस्केड लेस भी ना हो, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल हो। शुड नॉट अलाउ नॉन सीरियलाइजेबल एंड नॉन स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल। तो हम ऐसे शेड्यूल, हमारा प्रोटोकॉल कोई भी ऐसा शेड्यूल अलाउ ना करे एग्जीक्यूट करना जो सीरियलाइजेबल ना हो और रिकवरेबल ना हो। ओके, तो बेसिक आइडिया क्या है टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल का? बेसिक आइडिया यही है कि आपको अगर कोई भी डेटा आइटम यूज करना है उसको पहले लॉक कर लो। उसके कोई भी डेटा आइटम यूज करना है पहले उसको लॉक करो, यूज करो, उसके बाद में अनलॉक कर दो। तो मैं जो आपका टू आपके लॉकिंग प्रोटोकॉल से, अभी हम सिंपली लॉकिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम किसी टू फेस लॉकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपली बात कर रहे हैं कि लॉकिंग प्रोटोकॉल्स की। लॉकिंग का मतलब क्या है? लॉकिंग का मतलब सिंपल इतना ही है कि अगर आप कोई भी डेटा आइटम यूज करना चाहते हो तो पहले लॉक रिक्वेस्ट करो किसी को। लेट से आपके पास में एक कॉम्पोनेंट है कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर, कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर से आप रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे ये डेटा आइटम यूज करना है, मैं इसको लॉक करना चाहता हूँ। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर जो कि पार्ट है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ही है, तो उसका एक पार्ट है, छोटा सा कॉम्पोनेंट है कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर। कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर क्या करेगा? वो एक कंपेटिबिलिटी टेबल चेक करेगा। कंपेटिबिलिटी टेबल का मतलब क्या है कि जो डेटा आइटम कोई ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट कर रहा है वो किसी और ने तो लॉक नहीं किया हुआ है, अगर वो किसी और ने लॉक किया हुआ है वो भी इनकम्पेटिबल मोड में। हम देखेंगे कंपेटिबल लॉक क्या है एंड इनकम्पेटिबल लॉक क्या है। तो अगर वो डेटा आइटम पहले से किसी और ने लॉक किया हुआ है और इनकम्पेटिबल मोड में लॉक किया हुआ है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो कोई भी डेटा आइटम आपको यूज करना है तो पहले उस पर लॉक रिक्वेस्ट करो, अगर लॉक मिल गया उसके बाद में यूज करो, उसके बाद में डेटा आइटम को अनलॉक करना है। तो लॉकिंग प्रोटोकॉल का सिंपल मतलब इतना ही है। और जो लॉक करोगे आप बाय लॉकिंग द डेटा आइटम इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर मीन्स एक बार में एक ही ट्रांजेक्शन यूज करेगी डेटा आइटम को, मॉडिफाई करेगी। ओके, तो अगर एक ट्रांजेक्शन किसी डेटा आइटम को मॉडिफाई कर रही है तो दूसरा ट्रांजेक्शन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर दोनों ट्रांजेक्शन सिर्फ रीड कर रही है, लेट से ट्रांजेक्शन T1 भी A को रीड कर रही है और T2 भी A को रीड करना चाहती है, तो T2 क्या करेगी? रिक्वेस्ट करेगी कि आई वांट टू रीड दिस डेटा आइटम, तो वो रीड लॉक लगाएगी और रीड लॉक हम अलाउ कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये कंपेटिबल लॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दो आइटम, दो ट्रांजेक्शन एक साथ में एक डेटा आइटम को रीड करना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम अलाउ कर सकते हैं। लेकिन अगर एटलीस्ट एक ट्रांजेक्शन भी राइट कर रही है तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे, वो इनकम्पेटिबल हो जाएगा। ये हम कर क्यों रहे हैं? जैसे हम सीरियलाइजेबिलिटी में बात कर चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में हमने देखे थे कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे रीड राइट, राइट रीड, राइट राइट, ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं। ऐसे ही आपके पास में लॉक्स हैं, एक हमारे पास में एक्सक्लूसिव लॉक है, एक शेयर्ड लॉक है। तो हम ये देखेंगे लॉक्स क्या है। तो शेयर्ड लॉक को रीड लॉक भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव लॉक को राइट लॉक भी बोलते हैं। तो रीड लॉक राइट लॉक जब भी होगा तो वो इनकम्पेटिबल लॉक होगा, जैसे रीड राइट और राइट रीड और राइट राइट, तो ये सब इनकम्पेटिबल लॉक्स होंगे जो हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर वो हम अलाउ ही नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर हो ही रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल हमेशा इन सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर करते ही करती है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में दो तरह के लॉक्स हैं, पहला है एक्सक्लूसिव लॉक और दूसरा है शेयर्ड मोड लॉक। तो डेटा आइटम कैन बी बोथ रीड एज वेल एज राइट, एक्स लॉक इज रिक्वायर्ड यूजिंग लॉक एक्स इंस्ट्रक्शन। तो अगर आपको कोई भी डेटा आइटम राइट करना है, आपको रीड भी करना है, राइट भी करना है, या सिर्फ राइट ही करना है, तो आप उस पर एक्सक्लूसिव लॉक लगाओगे। ओके, एक्सक्लूसिव लॉक इसीलिए है कि अगर आप कोई डेटा आइटम रीड करना चाह रहे हो और राइट करना चाह रहे हो तो आपको एक्सक्लूसिव लॉक से उसको लॉक करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव लॉक को राइट लॉक भी बोलते हैं। अगर आप कोई भी डेटा आइटम राइट करना चाह रहे हो तो आपको राइट लॉक लगाना होगा, अगर आप कोई भी डेटा आइटम सिर्फ रीड करना चाह रहे हो तो आपको रीड लॉक लगाना पड़ेगा। जब मैं कह रहा हूँ रीड और राइट लॉक, इसका मतलब सिंपल सा इतना ही है, शेयर्ड लॉक एंड एक्सक्लूसिव लॉक। शेयर्ड लॉक को ही हम रीड लॉक भी बोलते हैं और एक्सक्लूसिव लॉक को भी राइट लॉक ही बोलते हैं। उसके लिए आपको एक ट्रांजेक्शन एक्जीक्यूट करना होगा लॉक एक्स। सो लॉक एक्स जो ट्रांजेक्शन है वो किसी भी डेटा आइटम पर एक्सक्लूसिव लॉक लगाने के लिए। लॉक एस मीन्स अगर आपको कोई भी डेटा आइटम रीड करना है तो उसको आपको शेयर्ड मोड में लॉक करना होगा। शेयर्ड मोड का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैंने इसको शेयर्ड मोड में लॉक किया हुआ है, कोई और भी अगर इस पे लॉक डिमांड करता है तो उसको भी लॉक दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीड लॉक है, दो ट्रांजेक्शन एक साथ में रीड कर सकती है, कितनी भी ट्रांजेक्शन एक साथ में रीड कर सकती है। तो अगर आपके पास में एन ट्रांजेक्शन है और एक डेटा आइटम ए है, तो अगर एन के एन ट्रांजेक्शन आपके सारे के सारे शेयर्ड मोड में है
तो अगर सबके सब एन के एन ट्रांजेक्शन सबके सब रीड करना चाहते हैं एक डेटा आइटम को तो साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर उन सब के लॉक को एक्सेप्ट कर लेगा, उन सब के लॉक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर उनमें से एटलीस्ट एक भी राइट लॉक है, तो जिसका भी लॉक राइट लॉक है, अगर उसने पहले उसको लेट से आपके पास में एन ट्रांजेक्शन थी और पहली ट्रांजेक्शन लगाया एक्सक्लूसिव लॉक, उसके बाद में सेकेंड ट्रांजेक्शन आई वो चाहती है शेयर्ड लॉक लगाना, फिर थर्ड ट्रांजेक्शन आई वो भी चाहती है शेयर्ड लॉक लगाना, तो किसी को भी ये लॉक जो है वो दिया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले कोई और उसको एक्सक्लूसिव लॉक में लॉक कर चुका है। जब आप किसी एडिट आइटम को कोई ट्रांजेक्शन राइट कर रही है, तो किसी और ट्रांजेक्शन को हम रीड करने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। लेकिन अगर कोई पहले डेटा आइटम ए आया, जैसे ट्रांजेक्शन टी वन आया और ट्रांजेक्शन टी वन ने कहा कि आई वॉन्ट टू रीड, तो वो हम अलाउ कर देंगे। सेकेंड आया आपका लेट्स से एक्सक्लूसिव लॉक, उसको हम डिनाई कर देंगे। फिर थर्ड आया, थर्ड ट्रांजेक्शन आया, इसने कहा आई वॉन्ट टू रीड, तो उसको हम अलाउ कर देंगे। तो रीड रीड इज अलाउड। तो ऐसे क्या होगा, जितनी भी ट्रांजेक्शन रीड करने के लिए आएंगी उन सबको हम अलाउ करते जाएंगे, और जो ट्रांजेक्शन राइट करने के लिए पहले से बैठी हुई है, दैट विच ट्रांजेक्शन वॉन्ट टू राइट, दैट वो ट्रांजेक्शन हमेशा वेट ही करती रहेगी, उसी को हम स्टारवेशन बुई बोलते हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो लॉक रिक्वेस्ट आर मेड टू कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर। जैसे कि हमने बात की, कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर जो है वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है, जो लॉक को रिक्वेस्ट और डिनाई करने के लिए, किसी लेट से कोई ट्रांजेक्शन आया तो ट्रांजेक्शन और कोई भी डेटा आइटम लॉक करना है, तो वो कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर के पास में रिक्वेस्ट सेंड करेगा। कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर क्या करेगा, कंपैटिबिलिटी टेबल देखेगा, अगर किसी और ट्रांजेक्शन ने उस डेटा आइटम को लॉक नहीं किया हुआ है इन कंपैटिबल मोड में, तो आप अलाउ कर देंगे, नहीं तो आप डिनाई कर देंगे। तो उसका एक ट्रांजेक्शन डाइग्राम है, स्टेट डाइग्राम। तो पहले आपके पास में कोई ट्रांजेक्शन थी, उसने लॉक रिक्वेस्ट किया कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर को। कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर ने क्या किया, सेकंड स्टेप था कि उसने कंपेटिबिलिटी टेबल चेक की। कंपेटिबिलिटी टेबल चेक करने के बाद में दो दो आंसर आएंगे, यस या नो, अलाउ करो या फिर डिनाई करो। अगर कंपेटिबिलिटी टेबल ने कहा ओके नो प्रॉब्लम यस, तो आप क्या करोगे, ग्रांट कर दोगे रिक्वेस्ट को ट्रांजेक्शन, यानी कि वो डेटा आइटम उस ट्रांजेक्शन को दे दिया जाएगा। अगर कहा नो तो क्या होगा, डिनाई कर देंगे रिक्वेस्ट को। ओके तो सिंपल सी प्रोसेस होगी, ये आपकी कंपेटिबिलिटी टेबल। तो अगर किसी ट्रांजेक्शन लेट से यहाँ पे टी आई है और इस साइड में टी जे है, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन टी आई ने किसी डेटा आइटम को शेयर्ड मोड में लॉक किया हुआ है पहले से ही। अब एक ट्रांजेक्शन टी जे आई और उसने रिक्वेस्ट किया शेयर्ड लॉक सेम डेटा आइटम पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको अलाउ कर दोगे ट्रू, यानी कि आंसर क्या आएगा कंपेटिबिलिटी टेबल का, यस। अगर किसी ट्रांजेक्शन टी आई ने किसी डेटा आइटम को शेयर्ड मोड में लॉक किया हुआ है और दूसरी ट्रांजेक्शन टी जे आई और उसने कहा आई वॉन्ट टू लॉक द सेम, वो सेम डेटा आइटम को एक्सक्लूसिव मोड में लॉक करना चाहती है, तो उसको हम डिसअलाउ कर देंगे, डिनाई कर देंगे, फॉल्स। तो अगर किसी टी आई ट्रांजेक्शन ने पहले से किसी डेटा आइटम को एक्सक्लूसिव मोड में लॉक किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई टी जे कोई ट्रांजेक्शन आया और टी जे ने कहा आई वॉन्ट टू लॉक दिस डेटा आइटम इन दी शेयर्ड मोड, उसको वो डेटा आइटम शेयर्ड मोड में लॉक करना है, तो भी हम डिसअलाउ कर देंगे। अगर सेम ट्रांजेक्शन लेट से किसी ट्रांजेक्शन टी आई ने एक्सक्लूसिव मोड में किया हुआ है और ट्रांजेक्शन टी जे आई उसने भी कहा मुझे भी एक्सक्लूसिव मोड में करना है, यानी कि उसको भी राइट करना है सेम टाइम पे, दोनों को राइट करना है, तो हम डिसअलाउ कर देंगे। सिर्फ एक कंडीशन जो है वो कंपेटिबल होगी, वो है शेयर्ड शेयर्ड, इसी को बोलते हैं कंपेटिबल मोड, और ये सब है इनकम्पेटिबल मोड्स, ठीक है। इससे अ ट्रांजेक्शन मे बी ग्रांटेड अ लॉक ऑन एन डेटा आइटम इफ द रिक्वेस्टेड लॉक इज कंपेटिबल विद लॉक्स ऑलरेडी हेल्ड ऑन द डेटा आइटम बाय अदर ट्रांजेक्शन। अगर किसी डेटा आइटम पे पहले किसी ट्रांजेक्शन ने लॉक पहले से पकड़ा हुआ है, किसी ने पहले से उस डेटा आइटम को लॉक किया हुआ है और दूसरा ट्रांजेक्शन को उस सेम डेटा आइटम को लॉक करना चाहता है, तो आप कंपेटिबिलिटी देखोगे लॉक्स की। अगर दोनों शेयर्ड शेयर्ड मोड में है तो कंपेटिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एटलीस्ट एक भी एक्सक्लूसिव मोड में है, तो क्या होगा, उसको इनकम्पेटिबल मोड बोलेंगे। इनकम्पेटिबल मोड का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जो आपकी कंपेटिबिलिटी टेबल होगी वो मना कर देगी कि लॉक अलाउड नहीं है। एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कैन होल्ड शेयर्ड लॉक्स, जैसे मैंने बताया कितनी भी ट्रांजेक्शन एक साथ जो है वो शेयर्ड लॉक रख सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ एनी ट्रांजेक्शन होल्ड एन एक्सक्लूसिव ऑन डेटा आइटम, नो अदर ट्रांजेक्शन मे होल्ड एनी लॉक ऑन द डेटा आइटम। अगर किसी ट्रांजेक्शन ने पहले से ही किसी डेटा आइटम पर एक्सक्लूसिव लॉक लगाया हुआ है, तो कोई और ट्रांजेक्शन ना तो शेयर्ड मोड लॉक ना एक्सक्लूसिव लॉक लगा सकती है उस डेटा आइटम पर। अब अगर हम बात करें, हमने अभी तक किसी प्रोटोकॉल की बात नहीं की है, अभी तक हम सिर्फ शेयर्ड और एक्सक्लूसिव मोड की बात कर रहे हैं। क्या यह इनफ है कि शेयर्ड मोड एंड एक्सक्लूसिव लॉकिंग मोड में लॉकिंग करें बस, हमें किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में अगर मैं कंपेटिबिलिटी की बात करूं,
अभी तक जो भी हमने बात की मैं सिर्फ ये वो सिर्फ ऐसे थी। अगर मैं ट्रांजेक्शन के थ्रू आपको दिखाऊं, दो ट्रांजेक्शन है T1 T2 और T1 ने शेयर्ड मोड में एक डेटा आइटम A को लॉक किया हुआ है। ये SA का मतलब है शेयर्ड मोड में A को डेटा आइटम को लॉक किया हुआ है, यानी कि रीड लॉक लगाया हुआ है डेटा आइटम A पर। ये इसको इस पे लॉक लगाएगा, उसके बाद में यूज करेगा और फाइनली बाद में अनलॉक करेगा। ओके और यहाँ पे बीच में सिर्फ ये इसको रीड ही कर सकता है क्योंकि ये रीड मोड लॉक है। अगर आपने शेयर्ड मोड में लॉक किया हुआ है डेटा आइटम A को तो आप सिर्फ रीड ही कर सकते हो। इसी बीच में जब इसने शेयर्ड मोड लॉक लगाया हुआ था तो T2 ने कहा आई वॉन्ट टू लॉक दिस सेम डेटा आइटम इन दिस शेयर्ड मोड। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होगी, क्या ये अलाउ करेंगे या डिसअलाउ करेंगे? तो इसने रिक्वेस्ट किया ट्रांजेक्शन टू ने, T2 ने कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर को कि आई वॉन्ट टू लॉक डेटा आइटम A इन दिस शेयर्ड मोड। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर ने क्या किया, कंपेटिबिलिटी टेबल चेक की, कंपेटिबिलिटी टेबल के अकॉर्डिंग ये दो लॉक्स जो है वो कंपेटिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर जो है वो उसको अलाउ कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कंपेटिबल लॉक है, शेयर्ड लॉक है। तो ये भी इसको रीड कर सकता है और फाइनली बाद में अनलॉक करेगा। अगर बात कुछ ऐसे हो, आपके पास में दो ट्रांजेक्शन है T1 T2 और आपने शेयर्ड मोड में लॉक किया डेटा आइटम A को, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, सिर्फ रीड कर सकते हो और बाद में कभी इसको अनलॉक करोगे। तो तीन ही चीज होगी, पहले डेटा आइटम लॉक करोगे, फिर यूज करोगे, उसके बाद में अनलॉक कर दोगे। जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था, कोई भी रिसोर्स आप क्या करोगे, रिसोर्स पहले रिक्वेस्ट करोगे, उसके बाद में यूज करोगे और उसके बाद में रिलीज। अब जब ये डेटा आइटम इसने ट्रांजेक्शन T1 ने लॉक किया हुआ था और ये इसको यूज कर रहा था, इसके यूज करने के बीच में ही T2 ने कहा कि मुझे इस डेटा आइटम को लॉक करना है एक्सक्लूसिव मोड में, तो क्या ये हम अलाउ करेंगे, इसको हम डिनाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर जो है वो टेबल में देखेगा, कंपेटिबिलिटी टेबल में शेयर्ड मोड एंड एक्सक्लूसिव मोड जो है वो आपके इनकम्पेटिबल हैं, तो ये अलाउ नहीं करेंगे। तो हमने शेयर्ड मोड और एक्सक्लूसिव मोड देखा। अगर हम बात करें क्या ये इनफ है कि हम बस सिर्फ लॉकिंग करें, क्या लॉकिंग करना सिर्फ इनफ है सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए? तो अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूँ तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मेरे पास में दो ट्रांजेक्शन है T1 T2 और डेटा आइटम्स रीड ए राइट ए, मेरे पास में दो ऑपरेशन है ट्रांजेक्शन T1 में और ट्रांजेक्शन T2 में कुछ ऑपरेशन है रीड ए रीड बी। एंड मेरे पास में है रीड बी राइट बी। तो ये कुछ ऑपरेशन है, ये मेरे पास में एक शेड्यूल है S1 और उसमें ये ऑपरेशन है, ये ट्रांजेक्शन है। अब मुझे लॉकिंग करनी है क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, इनको इन पे टू फेस लॉक, इन पे सिंपली लॉकिंग करने की कोशिश करूंगा। तो T1 जो है डेटा आइटम A को रीड कर रही है और राइट कर रही है, तो A पे कौन सा लॉक लगना चाहिए, A पे लगना चाहिए एक्सक्लूसिव लॉक। तो आपने एक्सक्लूसिव लॉक लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एक्सक्लूसिव लॉक लगाया, इसको रीड किया राइट किया, फाइनली आपको इसको अनलॉक करना पड़ेगा क्योंकि T2 उस पर रिक्वेस्ट कर रहा है डेटा आइटम की, क्योंकि ये यूज भी कर चुका है, T1 डेटा आइटम A को यूज कर चुका है और बाद में कहीं यूज नहीं करने वाला, तो सिंपली आप इसको अनलॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अनलॉक करने के बाद में इसको लॉक मिलेगा इस पर, वो भी शेयर्ड लॉक, क्योंकि ट्रांजेक्शन T2 को सिर्फ रीड करना है, तो रीड करना है तो आपको सिर्फ शेयर्ड लॉक लगाना होगा। उसके बाद में नया अगला ऑपरेशन है आपका रीड बी, क्योंकि यहाँ पर ही कंप्लीट कर चुका होगा यूज, तो इसको अनलॉक कर सकता है सिंपली। पहले क्या करा, रिक्वेस्ट पहले लॉक किया, यूज किया, अनलॉक कर दिया। उसके बाद में रीड बी मतलब क्या है, ये लॉक ट्रांजेक्शन T2 शेयर्ड मोड लॉक रिक्वेस्ट कर रहा है डेटा आइटम B पर, तो आपने इसको लॉक किया शेयर्ड मोड में और फाइनल उसके बाद में अनलॉक कर दिया क्योंकि अब इसको यूज करना है। तो इसने कहा आई वॉन्ट टू लॉक द डेटा आइटम B इन दी एक्सक्लूसिव मोड, क्यों, क्योंकि ट्रांजेक्शन T1 को डेटा आइटम B पर रीड भी करना है और राइट भी करना है, तो आपको एक्सक्लूसिव मोड लॉक लगाना होगा B पर। इनको यूज किया B को, उसके बाद में अनलॉक कर दिया। तो ये सिंपल शेयर्ड मोड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉकिंग की है मैंने, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, कोई प्रोटोकॉल नहीं लगाया है, तो सिंपली क्या था, शेयर्ड एक्सक्लूसिव मोड लॉकिंग थी। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें अगर आप एक चीज देखोगे, वो चीज क्या है, ये आपके पास में ऑपरेशन है, ओके, इस ट्रांजेक्शन के ऑपरेशन ये है हमारे पास में, रीड ए राइट ए रीड ए रीड बी राइट बी। तो मैं सीरियलाइजेबिलिटी देखता हूँ इसमें, दो ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2, ये मेरा प्रेसिडेंस ग्राफ। प्रेसिडेंस ग्राफ के थ्रू हम क्या देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। हमेशा याद रखना जब भी हम बात कर रहे हैं आपकी कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स की,
तो वो सिर्फ एक ही चीज इंश्योर कर रहे हैं, वो है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। तो अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल दे रहे हैं प्रोटोकॉल्स, इसका मतलब क्या है कि वो सीरियलाइजेबल है ही है डेफिनेटली, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वो डेफिनेटली सीरियलाइजेबल है ही है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो फिर आप चेक करते हो वीव सीरियलाइजेबिलिटी के लिए। वीव सीरियलाइजेबिलिटी के लिए चेक करना एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम से आपके पास में सिर्फ एक पार्ट का आंसर है, यस का या फिर नो का। आपके पास में बहुत सारी कंडीशंस दी गई है, जैसे कि डर्टी राइट हो तो वीव सीरियलाइजेबल है, लेकिन अगर डर्टी राइट नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वीव सीरियलाइजेबल नहीं है। उसके लिए आपको फिर और चेक करने पड़ेंगे, डायग्राफ बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रॉब्लम ही एनपी कंप्लीट, इसी बोलते हैं कि सीरियलाइजेबिलिटी चेक करना जो है वो इन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। तो ये आपके पास में शेड्यूल है रीड ए राइट ए। आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि टी वन कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है टी टू के साथ में, ये राइट ए है ये रीड है, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। तो टी वन से एज जाएगी टी टू की तरफ। अब यहाँ पे आते हैं अगला ऑपरेशन है आपका रीड बी। रीड बी रीड बी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं है। रीड बी राइट बी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन का मतलब क्या है कि टी टू कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है टी वन के साथ में। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि शेयर्ड मोड एक्सक्लूसिव मोड लॉकिंग जो है वो इनफ नहीं है, आपको एक प्रोटोकॉल चाहिए प्रॉपर प्रोटोकॉल, क्योंकि इसमें सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर हो ही नहीं रही है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर नहीं हो रही है सिंपली मोड सिंपल मोड लॉकिंग में। अगर आप सिंपली लॉकिंग करो यूजिंग शेयर्ड मोड एंड एक्सक्लूसिव मोड, कोई प्रोटोकॉल यूज ना करो, उसी के लिए हमारे पास में है टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल आपको प्रॉपर कुछ कंडीशन देगा, वो कहेगा कि आप इसी तरह से लॉकिंग कर सकते हो, रैंडमली लॉकिंग नहीं कर सकते हो। अभी तक हमने जो की थी वो रैंडम लॉकिंग की थी कि जब जिसको जरूरत हुई इसको लॉक दे दिया, जब किसी और को यूज करना हुआ तो अनलॉक कर दिया, वो सिंपल रैंडम लॉकिंग थी। अब हम एक प्रॉपर प्रोटोकॉल पे आते हैं, टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल पे। तो टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल का मेन गोल ये है कि वो हमें सीरियलाइजेबल शेड्यूल एंड स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल दे। उसके बाद में इसके कुछ वेरिएशंस हैं, और कुछ उनमें से कुछ वेरिएशन ऐसे हैं जो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल की बात करूं तो बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल आपको सीरियलाइजेबल शेड्यूल तो दे देगा लेकिन रिकवरेबल शेड्यूल नहीं दे पाएगा। उसी के लिए हमारे पास में अगली चीज है स्ट्रिक्ट रिकवरेबल स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग। स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल आपको स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल देगा। तो कोई भी सिस्टम होगा आपका रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल सिस्टम्स में हम मोस्टली रिगरस टू फेस लॉकिंग या फिर स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग यूज करते हैं। तो कई सारे वेरिएशंस हैं टू फेस लॉकिंग के, बेसिक टू फेस लॉकिंग, स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग, रिगरस टू फेस लॉकिंग एंड कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग, ये सब वेरिएशंस हम देखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल की। बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में आपके पास में दो फेसेस हैं, जैसे बता रहे हैं दो फेस टू फेस लॉकिंग। टू फेस लॉकिंग में हमारे पास में दो फेसेस हैं, ग्रोइंग फेस एंड श्रिंकिंग फेस। ग्रोइंग फेस को आप लॉकिंग फेस भी बोलते हैं और श्रिंकिंग फेस को हम अनलॉकिंग फेस भी बोलते हैं। तो ग्रोइंग फेस में सिंपली क्या होगा, अ ट्रांजेक्शन में ऑब्टेन लॉक्स बट मे नॉट रिलीज एनी लॉक। पहले फेस में आप सिर्फ लॉक करोगे, कोई डेटा आइटम अनलॉक नहीं कर सकते हो। तो पहले आपको जो भी डेटा आइटम चाहिए, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, आप सिर्फ लॉकिंग करोगे। सेकेंड फेस श्रिंकिंग फेस, जैसे ही आपने पहला डेटा आइटम अनलॉक किया तो कंप्यूटर को चल गया पता कि आप अब श्रिंकिंग फेस में एंटर कर चुके हो। जब आप श्रिंकिंग फेस में एंटर कर चुके हो तो कोई नया डेटा आइटम आप लॉक नहीं कर सकते हो। तो दो कंडीशंस है, ग्रोइंग फेस में आप कुछ भी अनलॉक नहीं कर सकते हो और श्रिंकिंग फेस में आप कुछ भी लॉक नहीं कर सकते हो। तो दो फेसेस हैं। अब हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है लॉक पॉइंट का, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है टू फेस लॉकिंग में। आप इसके कुछ एग्जांपल्स देखने से पहले टू फेस लॉकिंग के, हम इसमें लॉक पॉइंट की बात करते हैं। तो लेट्स आपके पास में एक ट्रांजेक्शन है, लेट्स आपके पास में एक ट्रांजेक्शन है और वो पहले क्या करेगी, मैं टू फेस लॉकिंग की बात करूं, पहले वो सिर्फ लॉकिंग करेगी। और लेट्स इसको कुछ डेटा आइटम यूज करने हैं ए बी सी डी, तो पहले उसने सब डेटा आइटम को लॉक करेगी। लॉक करने का मतलब ये कि सबको रिक्वेस्ट करेगी, हर एक डेटा आइटम पे लॉक के लिए रिक्वेस्ट करेगी। लॉक हो सकता है कि आपको मिल भी जाए नहीं भी मिले, ये कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर का काम है कि लॉक करना और नहीं करना। लॉक करने के बाद में उनको यूज करेंगे, उसके बाद फिर उनको अनलॉक स्टार्ट करेंगे, अनलॉक करेंगे, अनलॉक डी सी अनलॉक ए बी। ओके, और ये जरूरी नहीं कि जिस सीक्वेंस में आपने लॉक किए थे उस सीक्वेंस में अनलॉक करें, ऐसा जरूरी नहीं है। तो लॉक पॉइंट क्या है, लास्ट लॉक जो आपने ऑब्टेन किया था वो पोजीशन या फिर पहले अनलॉक की पोजीशन, उसको बोलते हैं लॉक पॉइंट। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है
लॉक पॉइंट, लास्ट लॉक पोजीशन और फर्स्ट अनलॉक पोजीशन इज कॉल्ड लॉक पॉइंट, या भी इसको भी आप लॉक पॉइंट बोल सकते हैं, इसको भी अनलॉक पॉइंट बोल सकते हैं, जहां भी आपने लास्ट डेट आइटम लॉक किया था या फिर जहां पहला आइटम अनलॉक किया उसको लॉक पॉइंट बोलते हैं। तो लॉक पॉइंट का कॉन्सेप्ट जरूरी क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, ऑल शेड्यूल्स विच आर अलाउड अंडर टू फेस लॉकिंग आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है, हर एक वो शेड्यूल जो टू फेस लॉकिंग में अलाउड है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा ही होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, बहुत सारे शेड्यूल ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है लेकिन टू फेस लॉकिंग में अलाउड नहीं है। तो कंडीशन कुछ ऐसे हैं एक्चुअल में, अगर आप मैं सीरियलाइजेबिलिटी की और उनके बीच में रिलेशन की बात करूं, तो लेट यहाँ पर आपके कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल और यहाँ पर टू फेस लॉकिंग के जो भी शेड्यूल्स टू फेस लॉकिंग के अंदर अलाउड होंगे। तो जो शेड्यूल्स टू फेस लॉकिंग के अंदर अलाउड है वो सबसेट है किसका, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स का। तो हर एक वो शेड्यूल जो कॉन्फ्लिक्ट जो टू फेस लॉकिंग के अंदर अलाउड होगा वो क्या होगा, वो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल तो होगा ही होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक वो शेड्यूल जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है वो टू फेस लॉकिंग के अंदर अलाउड हो ही हो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने की। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर है आपके डी सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स। ओके, तो हर एक वो शेड्यूल जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है डेफिनेटली वो सीरियलाइजेबल है ही है, लेकिन हर एक वो शेड्यूल जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है उसको हम ये नहीं कह सकते कि सीरियलाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो व्यू सीरियलाइजेबल भी हो सकता है। तो ऑल शेड्यूल्स विच आर अलाउड अंडर टू फेस लॉकिंग आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपके टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल है वो सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर करते ही करते हैं। और मैंने कहा कि शेड्यूल्स विच आर अलाउड अंडर टू फेस लॉकिंग आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, अब लॉक पॉइंट की बात यहां पर आएगी। आप इनको सीरियलाइजेबल कैसे करेंगे, अगर शेड्यूल है आपका कोई उसमें ट्रांजेक्शन है, दो ट्रांजेक्शन T1 T2, अगर वो सीरियलाइजेबल है, वो शेड्यूल सीरियलाइजेबल का मतलब क्या है कि उस शेड्यूल के इक्विवेलेंट हमारे पास में एक सीरियल शेड्यूल है। अब वो सीरियल शेड्यूल क्या होगा, शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल अकॉर्डिंग टू लॉक पॉइंट। इसका मतलब क्या है देखते हैं, ये लॉक पॉइंट है, हर एक शेड्यूल जो टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल के अंदर अलाउड है उसका कुछ लॉक पॉइंट भी होगा ही होगा। जैसे मैंने कहा लॉक पॉइंट की बात करूं तो पहले लास्ट अनलॉक लास्ट लॉकिंग पॉइंट या फिर पहला अनलॉक पॉइंट उसको बोलते हैं लॉक पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं लेट्स से मेरे पास में 3 ट्रांजेक्शन हैं और मैं मान रहा हूं कि ये शेड्यूल एस जो है वो अलाउड है टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल के अंदर T1 T2 T3, लेट्स से ये लॉक पॉइंट है T2 का और यहाँ पर लॉक पॉइंट T1 का और ये लॉक पॉइंट है T3 का। अब ये शेड्यूल सीरियलाइजेबल है क्योंकि टू फेस लॉकिंग के अंदर अलाउड है, तो टू ये सीरियलाइजेबल भी है ही है। अब ये सीरियलाइजेबल किस ऑर्डर में है, इनके लॉक पॉइंट के अकॉर्डिंग। मैंने कहा कि हर एक शेड्यूल जो भी टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल के अंदर अलाउड है वो सीरियलाइजेबल है उसके लॉक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। लॉक पॉइंट्स जिसका लॉक पॉइंट पहले होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में T1 और उसके बाद में T3। तो ये शेड्यूल सीरियलाइजेबल है अकॉर्डिंग टू इसके लॉक पॉइंट्स T2 T1 T3। ओके, ये है लॉक पॉइंट का इंपॉर्टेंस। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मेरे पास में शेड्यूल दिया हुआ है एस और मुझे बताना है कि चेक द शेड्यूल इज अलाउड अंडर टू फेस लॉकिंग और नॉट। मुझे चेक करना है कि शेड्यूल टू फेस लॉकिंग अंडर अलाउड है या नहीं है। अगर ये अलाउड हुआ तो डेफिनेटली सीरियलाइजेबल तो होगा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं हर एक ऑपरेशन के साथ में। आपके पास में ऑपरेशंस होंगे और हर एक ऑपरेशन को लॉक करने की कोशिश करेंगे 1 by 1। सो मुझे पता है कि डेटा आइटम ए मुझे रीड करना है, तो ए को मैं ट्रांजेक्शन T1 ए को सिर्फ रीड कर रहा है। तो ट्रांजेक्शन T1 अगर ए को रीड कर रहा है तो मैं सिर्फ शेड लॉक लगाऊंगा। ए को मैंने रीड किया, ए को मैंने लॉक किया शेड मोड में। सो मैं इन सबको लॉक करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे लॉक भी करना है टू फेस लॉकिंग के अकॉर्डिंग करना है। टू फेस लॉकिंग के अकॉर्डिंग मीन्स अगर मैं लॉकिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ लॉकिंग ही करूंगा, उसके बीच में अनलॉकिंग नहीं आ सकती। तो अगर मैं एक बार अनलॉकिंग स्टार्ट करता हूँ तो उसके बीच में लॉकिंग नहीं आ सकती है। तो ये जो है अभी पहले फेस में है, यानी कि मैंने शेड किया है, इसको मैंने शेड मोड में लॉक किया है। इसका मतलब क्या है कि अभी हम ग्रोइंग फेस में है, पहले फेस में है, फेस वन में है। अब इसने कहा मुझे रीड करना है सी को, तो रीड ही कर रहा है, राइट नहीं कर रहा है सी को, इसलिए शेड मोड में लॉक करना पड़ेगा सी को। उसके बाद में राइट ए का मतलब क्या है, अब ये कोशिश करेगा कि इसको ये लॉक करे एक्सक्लूसिव मोड में, क्योंकि इसको ए को राइट करना है, ये राइट ऑपरेशन है।
ट्रांजिशन टी वन को लॉक करना है डेटा आइटम ए को एक्सक्लूसिव मोड में। तो उसने कहा, इसने रिक्वेस्ट सेंड की किसको, कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर को, कि आई वॉन्ट टू लॉक द डेटा आइटम ए इन दी एक्सक्लूसिव मोड और राइट मोड। बट ये इसको डिनाई कर देगा। इसको डिनाई क्यों करेगा कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर, इसको अलाउ ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डेटा आइटम ए को पहले ही ट्रांजिशन टी वन जो है वो शेयर्ड मोड में लॉक करके बैठा हुआ है। तो अगर इसको लॉकिंग अलाउ करनी है तो पहले इसको अनलॉक करना पड़ेगा, डेटा ट्रांजिशन टी वन को डेटा आइटम ए को अनलॉक करना पड़ेगा। चलो एक बार मान लेते हैं कि इसने अनलॉक कर दिया डेटा आइटम ए को। ओके, इसने अगर अनलॉक कर दिया तो इसको हम अलाउ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब लॉक फ्री हो गया, डेटा आइटम ए फ्री हो गया क्योंकि इसने अनलॉक कर दिया है। लेकिन जैसे ही आपने अनलॉक किया, अब क्या हो गया है, श्रिंकिंग फेस स्टार्ट हो गया है, आप फेस टू में आ गए हो। आप अब फेस टू में अगर आ गए हो तो बी को कैसे लॉक करोगे अब, क्योंकि आपको डेटा आइटम बी भी लॉक करना था, तो ये अलाउड ही नहीं होगा, इसको आप लॉक नहीं कर पाओगे। तो टू फेस लॉकिंग के अंदर नॉट अलाउड। जब भी कहीं डिनाई वाली कंडीशन आ जाए, जब भी कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ भी आपको लॉक डिनाई करना पड़ रहा है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि टू फेस लॉकिंग के अंदर अलाउड नहीं है ये। तो हो सकता है कि सीरियलाइजेबल हो, लेकिन ये टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल के अंदर नहीं है अलाउड, तो आप सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। सो अगला एग्जांपल है मेरे पास में एक शेड्यूल है, तीन ट्रांजेक्शन है उस शेड्यूल के अंदर, और ये सब ऑपरेशंस हैं, और चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, नॉट इन टू फेस लॉकिंग बट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, टू फेस लॉकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, नॉन टू फेस लॉकिंग एंड नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, टू फेस लॉकिंग बट नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो तीन ट्रांजेक्शन हैं। अब मैं क्या करूंगा, वन बाय वन को लॉक करने की कोशिश करूंगा। लेट्स से टी वन पे आए, मैंने मुझे टी वन को टी ट्रांजिशन टी वन को डेटा आइटम ए सिर्फ रीड करना है, तो हम क्या करेंगे, शेड लॉक लगाएंगे। उसके बाद में अगला ऑपरेशन आपके पास में राइट सी, तो आपको राइट करना है सी, इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव लॉक लगाना होगा सी पर। अभी सबकी सब ट्रांजेक्शन जो है वो ग्रोइंग फेस में है, फेस वन में है। अब आपने कहा राइट ए, राइट ए जब आप करने की कोशिश करोगे, आप इस पर क्या करोगे, एक्सक्लूसिव लॉक लगाने की कोशिश करोगे, एक्सक्लूसिव लॉक लगाने की कोशिश करोगे, तो उसको हम क्या करेंगे, क्या इसको हम अलाउ कर सकते हैं, क्या ट्रांजेक्शन कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर इसको अलाउ करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक्स हैं, इनकम्पेटिबल लॉक्स हैं। अगर किसी ने पहले से शेयर्ड मोड में लॉक किया हुआ है तो आप उसको एक्सक्लूसिव मोड में लॉक नहीं कर सकते हैं। आपके पास में एक तरीका है, वो क्या है, आप इसको अनलॉक करो, उसके बाद में इसको अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने इसको अनलॉक कर दिया तो आप सेकेंड फेज में आ चुके हो, अब आप अनलॉकिंग फेज में आ चुके हो। अगर अनलॉकिंग फेस में आ चुके हो तो आप इसको लॉक नहीं कर पाओगे, यानी कि जब भी आप इसको कहोगे एक्सक्लूसिव लॉक, तो ये टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल जो है वो डिसअलाउ कर देगा। क्यों? क्योंकि आप अनलॉकिंग फेस में है, आप जो है श्रिंकिंग फेस में है जहाँ पर लॉकिंग अलाउड नहीं है, तो इसलिए ये टू फेस लॉकिंग में तो है ही नहीं। ओके, नॉट इन टू फेस लॉकिंग, अगर ये टू फेस लॉकिंग में नहीं है तो आप नहीं कह सकते कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल भी नहीं है। हो सकता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल हो, तो लेट्स से इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बनाकर देखते हैं। टी वन, टी टू, टी थ्री, तीन ट्रांजेक्शन है आपके पास में। तो अगर हम बात करें टी वन टी टू की, तो टी वन कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है टी टू के साथ में, उसके बाद में राइट सी सेकंड ऑपरेशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है किसी के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आए राइट ए राइट बी, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं है, राइट पी रीड पी, ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं है, टी वन कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है टी टू के साथ में, तो हमारे पास में पहले से एक एज है। T2 T3 की बात करते हैं, तो T2 कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है T3 के साथ में, यानी कि T2 से एक एज होगी T3, ये राइट ए है, ये राइट ए है, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। T2 कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है T3 के साथ में, पहले से हो चुका। अब हम देखते हैं T1 T3 के बीच में क्या रिलेशन है, T1 कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है T3 के साथ में, यस, एंड यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, T1 इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद T3। तो आप ध्यान से देखो, तो इसमें साइकिल नहीं है। ओके, ये अगर ये वाली एज ऊपर की तरफ होती तो साइकिल होती, तो नो साइकिल मींस ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, ठीक है, ये शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है क्योंकि इसके प्रेसिडेंस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है तो ये सीरियलाइजेबल भी है ही है। तो आप सीरियलाइजेबिलिटी के, अब टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल से आपने सिर्फ एक 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 पार्ट का आंसर कर सकते हो, एक वो पार्ट क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा ही होगा। अगर टू फेस लॉकिंग में है शेड्यूल तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, अगर वो टू फेस लॉकिंग में नहीं है तो आप नहीं कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल भी नहीं है, हो सकता है कि वो हो। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल जो है वो टू फेस लॉकिंग में अलाउड नहीं होगा ड्यू टू दीज ऑपरेशंस, लेकिन ये सीरियलाइजेबल है, तो उसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, नॉट इन टू फेस लॉकिंग बट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, ऑप्शन ए।
अगर आप ऑप्शन डी की तरफ देखें, टू फेस लॉकिंग बट नॉट कॉन्फ्लिक्ट एलिजिबल शेड्यूल, इसको आप देखते ही एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर वो टू फेस लॉकिंग में है तो वो कॉन्फ्लिक्ट एलिजिबल शेड्यूल भी होगा ही होगा, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। तो आप ऐसे भी अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो आराम से। तो ए इज द राइट आंसर, टू फेस लॉकिंग में नहीं है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट एलिजिबल शेड्यूल है, क्योंकि इसके प्रेसिडेंस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ओके, हमने अभी तक देख चुके हैं फायदे क्या हैं, अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी भी कि प्रॉब्लम्स क्या है टू फेस लॉकिंग में, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल की। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक शेड्यूल देखते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। बहुत ही सिंपल सा शेड्यूल है, दो ही ऑपरेशन है मेरे पास में, एक ऑपरेशन राइट ए और एक ऑपरेशन है रीड ए। उसके बाद में T2 कर रहा है कमिट एंड T1 बाद में कर रहा है कमिट। इसको टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल के थ्रू लॉक करते हैं, इस पर टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं। इसने कहा राइट ए, ओके नो प्रॉब्लम, इसको एक्सक्लूसिव मोड में लॉक करो। ठीक है, ये इसका ग्रोइंग फेस था। अब फिर इसको T2 को इसको लॉक करना है, जब इसने यूज कर चुका है उसको बाद में यूज भी नहीं करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। ए को अनलॉक किया, ये इसका श्रिंकिंग फेस था, T1 का ग्रोइंग फेस एंड श्रिंकिंग फेस खत्म हुआ। T2 ने कहा आई वॉन्ट टू रीड, तो ये क्या करेगा, शेड मोड में लॉक किया, उसके बाद में इसको अनलॉक कर देगा। लॉक करो, यूज करो, अनलॉक कर दो। लॉकिंग और अनलॉकिंग कैसे करनी है, टू फेस लॉकिंग के थ्रू करनी है। अगर पहले आप लॉक करो तो सिर्फ लॉक ही करोगे, बाद में अनलॉक करोगे, यानी कि लॉक करते टाइम दो लॉक्स के बीच में कोई अनलॉक ऑपरेशन नहीं हो सकता है, और दो अनलॉक के बीच में कोई लॉक ऑपरेशन नहीं हो सकता है टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। तो ये टू फेस लॉकिंग में अलाउड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि ये रिकवरेबल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, T1 ने राइट किया एंड T2 ने रीड किया, T2 इज रीडिंग ए डेटा आइटम रिटन बाय T1, T2 डिपेंड कर रहा है T1 पे। अगर आप रिकवरेबिलिटी की बात करें, रिकवरेबिलिटी की डेफिनेशन देखें, तो रिकवरेबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि इफ T2 इज डिपेंडेंट ऑन T1 दैट मीन्स T1 शुड कमिट फर्स्ट। यहाँ पे क्या है, T2 डिपेंड कर रहा है, T2 डिपेंड्स ऑन T1, सो T1 शुड कमिट फर्स्ट। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, पहले T2 कमिट कर जा रहा है, तो शेड्यूल इररिकवरेबल है। पहली प्रॉब्लम ये है कि बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल इररिकवरेबल शेड्यूल को अलाउ कर सकता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक गोल ही यही था कि सीरियलाइजिबिलिटी एंड रिकवरेबिलिटी इंश्योर हो। लेकिन बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल इररिकवरेबल है, ऐसा शेड्यूल दे सकता है जो इररिकवरेबल शेड्यूल्स हो, तो पहली प्रॉब्लम तो ये है। पहली प्रॉब्लम है रिकवरेबिलिटी की, कि ऐसा पॉसिबल है कि आपके शेड्यूल जो आपके बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल्स हैं, किसी ऐसे शेड्यूल को अलाउ कर सकता है जो इररिकवरेबल हो। ओके, सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, सेकंड प्रॉब्लम क्या है। गैस करो आपके पास में ये ट्रांजेक्शन्स हैं, एक शेड्यूल कुछ ऐसा है और उसके अंदर दो ट्रांजेक्शन है, T1 T2, ठीक है। ऑपरेशन है रीड ए राइट बी एंड रीड बी, उसके बाद में राइट ए, ऐसे कुछ ऑपरेशन है, ये मेरा शेड्यूल है S, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, टू फेस लॉकिंग के थ्रू इसको लॉक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लगाएंगे हम कौन सा लॉक, शेड लॉक, क्योंकि ट्रांजिशन T1 सिर्फ रीड कर रहा है डेटा आइटम A पर। अब ये करेगा रिक्वेस्ट B के लिए एक्सक्लूसिव लॉक, क्यों, क्योंकि ये राइट कर रहा है, तो इसको अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि B को किसी और ने लॉक नहीं किया हुआ है और A को किसी और ने लॉक नहीं किया हुआ, इसलिए ये भी अलाउ कर दिया जाएगा और ये भी अलाउड। अब क्या हुआ, दो ट्रांजिशन थी T1 T2, दो डेटा आइटम थे A एंड B। अब T1 ने A को लॉक किया हुआ है, A इज लॉक्ड बाय T1, ओके एंड बी इज लॉक्ड बाय T1, तो ए को T1 ने लॉक किया और बी को T2 ने लॉक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आए आपके पास में सेकंड, इसको करना है रीड बी को, ये कहेगा आई वांट टू रीड बी इन दी शेड मोड, ये शेड मोड लॉक करने की कोशिश करेगा लेकिन इसको डिनाई कर दिया जाएगा। इसको डिनाई किया तो ये वेट करेगा, ट्रांजेक्शन T1 वेट करेगी रेडी क्यू के अंदर, क्योंकि अभी ये अवेलेबल नहीं है, डेटा आइटम भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसको ट्रांजेक्शन T2 यूज कर रहा है। तो T1 वेट कर रहा है बी के लिए, T1 रिक्वेस्ट कर रहा है बी को। अब यहाँ पे आते हैं, अब आप यहाँ पे शेड लॉक लगाने की कोशिश, आप इस पर एक्सक्लूसिव लॉक लगाने की कोशिश करोगे ए पर, लेकिन ये भी डिनाई कर दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ए को पहले से लॉक किया हुआ है T1 ने और इसने अभी तक अनलॉक नहीं किया है, तो आप इसको, ये इनकम्पेटिबल लॉक है तो ये डिनाई कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि T2 वेट कर रहा है ए के लिए, ये आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है।
ये प्रॉब्लम अगर आप ध्यान से देखो क्या है, ये डेडलॉक है क्योंकि T2 वेट कर रहा है T1 के लिए एंड T1 वेट कर रहा है T2 के लिए। तो ट्रांजेक्शन से T1 T2 इसका आप अगर वेट फॉर ग्राफ बनाओ तो T1 वेट कर रहा है T2 के लिए एंड T2 वेट कर रहा है T1 के लिए, साइकिल वेट है। ठीक है, साइक्लिक वेट मतलब क्या है कि डेडलॉक है। तो एक प्रॉब्लम है डेडलॉक की, बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल डेडलॉक फ्री नहीं है। एक्चुअल में कोई भी टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल डेडलॉक फ्री नहीं है एक्सेप्ट वन, वो है कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल डेडलॉक फ्री है, बाकी बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल, स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल एंड रिगरस टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल सब में डेडलॉक हो सकता है। तो पहली प्रॉब्लम थी इरिकवरेबिलिटी की, सेकंड प्रॉब्लम है डेडलॉक की। ठीक है, टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में डेडलॉक हो सकता है। एक तीसरी प्रॉब्लम है हमारे पास में, और वो तीसरी प्रॉब्लम कुछ ऐसे हैं। गैस करो आपके पास में कुछ ट्रांजेक्शन है, लेट से तीन ट्रांजेक्शन है T1 T2 T3। ठीक है, ये हमारे पास में T1 T2 T3। ऑपरेशन कुछ ऐसे हैं, T2 ने एक डेटा आइटम A को शेयर्ड मोड में लॉक किया हुआ है। जब इसने लॉक किया हुआ था तो बीच में T1 ने कहा एक्सक्लूसिव लॉक, T1 को डेटा आइटम A को एक्सक्लूसिव मोड में लॉक करना है, तो ये हम अलाउ ही नहीं कर सकते हैं, इसको डिनाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले से T2 ने शेयर्ड मोड में लॉक किया हुआ है और ये इनकम्पैटिबल लॉक है। इनकम्पैटिबल लॉक है मतलब इसको डिनाई कर देंगे, तो ये डिनाई कर देंगे। उसके बाद में लेट से T3 आया, T3 ने कहा जब ये लॉक हो रहा था इसने कहा शेयर्ड लॉक ऑन A, इसको अलाउ कर देंगे। क्यों अलाउ कर देंगे? क्योंकि ये कंपेटिबल लॉक है, शेयर्ड लॉक एंड शेयर्ड लॉक जो है वो कंपेटिबल लॉक है, दोनों रीड मोड में लॉक करना चाहते हैं, तो इसको हम अलाउ कर देंगे। T1 अभी भी वेट कर रही है, साइकिल अभी भी क्यू में वेट कर रही है। अब एक और ट्रांजेक्शन आई T4, उसने कहा शेयर्ड लॉक, इसको भी अलाउ कर देंगे। अब कोई भी ट्रांजेक्शन आएगी जो इस डेटा आइटम को शेयर्ड मोड में लॉक करने की कोशिश करेगी उसको हम अलाउ करते जाएंगे, और T1 हमेशा वेट ही करती रह जाएगी एक्सक्लूसिव मोड में, क्योंकि इसको एक्सक्लूसिव मोड में लॉक करना है। अगर जब ये अनलॉक करेगा तो पहले से T3 ने लॉक किया हुआ है, जब ये अनलॉक करेगा वो T4 से पहले ने लॉक किया हुआ है, तो इसको कभी भी मिल ही नहीं पाएगा, ये हमेशा इनडेफिनेट टाइम तक वेट करता रहेगा। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम स्टारवेशन। जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी प्रोसेस इनडेफिनेट टाइम के लिए वेट कर रही है तो वो स्टारवेशन में है। तो तीन प्रॉब्लम है टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल के साथ में, इरिकवरेबिलिटी, डेडलॉक एंड स्टारवेशन। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए पहली प्रॉब्लम थी आपके पास में इररिकवरेबिलिटी। इररिकवरेबिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास में है स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में छोटी सी कंडीशन रखी, पहला गोल क्या है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, रिकवरेबल शेड्यूल्स। तो गोल यही है टू गेट स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल्स। ओके, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल्स तो पहला गोल है स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल का पहला लॉक है टू गेट स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल प्लस सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स। तो स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, सिंपली टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल प्लस ऑल एक्सक्लूसिव लॉक आर हेल्ड टिल कमिट ऑपरेशन। मतलब क्या है कि जो आपके एक्सक्लूसिव लॉक्स होंगे उनको आप कमिट होने से पहले अनलॉक नहीं करोगे। अगर आपको याद हो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल की डेफिनेशन भी कुछ ऐसे ही थी। स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल की डेफिनेशन ये थी कि अगर डेट ट्रांजेक्शन T1 ने किसी डेट आइटम को राइट किया है तो T2 ट्रांजेक्शन उस डेट आइटम को रीड नहीं कर सकती T1 के कमिट होने से पहले। अगर उसने T1 के कमिट होने से पहले उसको रीड कर लिया तो उसको बोलते हैं अनकमिटेड रीड, जो कि अलाउड नहीं है स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल्स में। ठीक है, ना तो अनकमिटेड रीड ना अनकमिटेड राइट, यह है स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल की डेफिनेशन। अगर हम क्या सिंपली अनकमिटेड रीड तो हम बात कर रहे हैं कैस्केडलेस रिकवरेबल की। तो कंडीशन क्या है, दिस प्रोटोकॉल रिक्वायर्स नॉट ओनली दैट लॉकिंग बी टू फेस बट ऑल्सो दैट ऑल एक्सक्लूसिव मोड लॉक्स, रिमेंबर ओनली एक्सक्लूसिव लॉक्स की बात कर रहे हैं, ऑल एक्सक्लूसिव लॉक्स टेकन बाय ट्रांजेक्शन बी हेल्ड अंटिल दैट ट्रांजेक्शन कमिट्स। मतलब ट्रांजेक्शन के कमिट करने से पहले आप किसी भी एक्सक्लूसिव लॉक को अनलॉक नहीं करोगे, सिर्फ कमिट ऑपरेशन होने के बाद में एक्सक्लूसिव लॉक्स को अनलॉक करोगे। दिस रिक्वायरमेंट इंश्योर्स दैट डेटा रिटर्न बाय एन अनकमिटेड ट्रांजेक्शन आर लॉक्ड इन एक्सक्लूसिव मोड अंटिल द ट्रांजेक्शन कमिट्स प्रिवेंटिंग एनी अदर ट्रांजेक्शन फ्रॉम रीडिंग द डेटा। मतलब अगर आप ऐसा कर रहे हो कि एक्सक्लूसिव लॉक को आप कमिट ऑपरेशन के बाद ही छोड़ोगे तो कोई और रीड कर ही नहीं सकता है कमिट ऑपरेशन होने से पहले। तो अगर कोई रीड भी करेगा या राइट भी करेगा तो कमिट ऑपरेशन होने के बाद ही करेगा,
यानी कि अगर T1 ने किसी भी डेटा आइटम A को लॉक किया हुआ था एक्सक्लूसिव मोड में, तो T2 ना तो रीड कर सकता ना राइट कर सकता कमिट ऑपरेशन से पहले T1 के। तो ऑब्वियसली क्या हो गया, ये कमिटेड रीड कमिटेड राइट हो गया, यानी कि स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल तो मिलेगा ही मिलेगा स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में। तो जो मैं कह रहा हूँ इसका मतलब सिंपल सेट नहीं है। अगर आपको याद हो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल की डेफिनेशन, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल की डेफिनेशन ये थी जो कि हम इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग में। स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल का मतलब ये था कि अगर टू ट्रांजेक्शन से T1 एंड T2, T1 ने डेटा आइटम A को राइट किया है तो ये पहले कमिट करेगा, उसके बाद ही T2 जो है वो रीड या राइट कर सकता है। ओके, तो ये थी स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल की डेफिनेशन। अनकमिटेड रीड एंड राइट आर नॉट अलाउड। जब ये कमिट होने के बाद में रीड राइट कर रहा है इसको बोलते हैं कमिटेड रीड राइट। अगर ये पहले कर देगा, अगर ये कहीं यहां पर हो कमिट ऑपरेशन से पहले, तो उसको बोलेंगे अनकमिटेड रीड राइट। तो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल में हमने क्या कहा, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल में हमने सिंपल सा इतनी कहा, लेट्स आपके पास दो ट्रांजेक्शन से T1 T2, इसने एक्सक्लूसिव मोड में लॉक किया हुआ डेटा आइटम A को, उसके बाद में ये क्या करेगा, पहले कमिट करेगा, उसके बाद में आप इसको कमिट होने के बाद में ये A को अनलॉक करेगा। ये स्टिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल की डेफिनेशन है। अगर बीच में कोई भी इसको शेयर्ड मोड में या फिर एक्सक्लूसिव मोड में लॉक करने की कोशिश करेगा, यानी कि रीड करने की या राइट करने की कोशिश करेगा, तो वो हम अलाउ ही नहीं करेंगे, वो डिनाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनकम्पेटिबल मोड हो जाएगा, दोनों इनकम्पेटिबल मोड्स हो जाएंगे, और हमें पहले ही बताया कि इनकम्पेटिबल लॉक्स हम अलाउ नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली ये सब जो हैं, ये सब कहाँ होने चाहिए, अनलॉक ऑपरेशन के बाद में, यानी कि कमिट ऑपरेशन के बाद में। तो ये शेड और एक्सक्लूसिव लॉक यहाँ पर अलाउड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से डेटा आइटम A जो है वो एक्सक्लूसिव मोड में T1 ने लॉक किया हुआ है। तो T2 जब तक T1 इसको अनलॉक ना करे, T2 उस पर ना शेड मोड लगा सकता है ना एक्सक्लूसिव मोड लगा सकता है। और ये अनलॉक कब करेगा, ये कमिट ऑपरेशन होने के बाद ही अनलॉक करेगा। तो अगर ये कमिट ऑपरेशन होने के बाद में अनलॉक कर रहा है तो ये रीड या राइट कमिट ऑपरेशन के बाद ही कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो कमिटेड रीड या कमिटेड राइट ही होगा। कमिटेड रीड कमिटेड राइट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल्स हमने इसीलिए डिजाइन किया है कि ताकि वो स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल्स थे। कोई भी टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल होगा, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो स्ट्रिक्ट हो, चाहे वो रिगरस हो, हर एक सीरियलाइजेबिलिटी तो इंश्योर कर ही रहा है। बात देखते हैं हम रिकवरेबिलिटी की, तो रिकवरेबिलिटी जो है वो बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में इंश्योर नहीं हो रही है, लेकिन स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, दोनों दोनों में मिल जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में दो ट्रांजेक्शन है, T1 T2, एंड ऑपरेशन कुछ ऐसे हैं, राइट ए, रीड बी, उसके बाद में रीड बी, रीड ए, और पहले कमिट ऑपरेशन है T2 का, उसके बाद में कमिट ऑपरेशन है T1 का। मुझे देखना है कि स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग में अलाउड है या नहीं, या बेसिक टू फेस लॉकिंग में अलाउड है या नहीं है। तो A को मुझे राइट करना है, इसका मतलब क्या है कि एक्सक्लूसिव लॉक लगाना होगा A पर। B को रीड करना है तो सिंपली शेयर्ड मोड लॉक लगा सकता हूँ B पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब B को रीड करना है तो शेयर्ड मोड लॉक लगा सकता हूँ, रीड मोड, और ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है कि B को पहले से लॉक किया हुआ है T1 ने शेयर्ड मोड में, तो ये शेयर्ड मोड में लॉक कर सकता है क्योंकि शेयर्ड प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। अब ये कहा, इसने कहा रीड A। अब अगर आप रीड A करना है तो पहले A को अनलॉक करना होगा, पहले A को अनलॉक करना पड़ेगा, लेकिन आप A को अनलॉक नहीं कर सकते हो क्योंकि A पर लगा हुआ है एक्सक्लूसिव लॉक। अगर आप स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग की बात करें, चलो पहले बेसिक टू फेस लॉकिंग की बात करते हैं। अगर बेसिक की बात करें तो आपने पहले लॉक ऑब्टेन किए, ये आपका ग्रोइंग फेस था, अब आप इसको अनलॉक कर सकते हो क्योंकि इसके बाद में आप कोई और डेटा आइटम यूज नहीं कर रहे हैं। आपने A को अनलॉक किया एंड B को अनलॉक किया, यहाँ पर A को अनलॉक करने के बाद में आप इस पर शेयर्ड मोड लॉक लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका ग्रोइंग फेस था इसका ट्रांजेक्शन T2 का, उसके बाद में इसका श्रिंकिंग फेस ये स्टार्ट होगा, यानी कि अब आप अनलॉक करना स्टार्ट करोगे। जब आप अनलॉक कर रहे हो तो आप लॉक नहीं कर सकते हो कोई डेटा आइटम। तो पहले आपने अनलॉक किया किसी भी डेटा आइटम को, उसके बाद में अनलॉक किया B को। ठीक है, तो टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू फेस लॉकिंग में अलाउड है, यानी कि मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में अलाउड है। क्या ये स्ट्रिक्ट में अलाउड है? ये स्ट्रिक्ट में अलाउड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ, इस डेटा आइटम A की,
स्टिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या है। स्टिक टू फेस लॉकिंग की डेफिनेशन है कि अगर आपने किसी डेटा आइटम को एक्सक्लूसिव मोड में लॉक किया हुआ है तो आप उसको अनलॉक जो है वो कमिट ऑपरेशन के बाद ही करोगे, यानी कि अनलॉक यहाँ पर आएगा ए का ऑपरेशन। जब यहाँ पर अब ये जब कोशिश करेगा ए को लॉक करने की तो ये लॉक डिनाई कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि डेटा आइटम ए को पहले से लॉक करके बैठा हुआ है T1, वो भी एक्सक्लूसिव मोड में, तो ये डिनाई कर देंगे, इसलिए स्टिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में अलाउड नहीं है। ये बेसिक टू फेस में तो अलाउड है लेकिन स्टिक टू फेस लॉकिंग में अलाउड नहीं है। स्टिक टू फेस लॉकिंग की बात करें तो इसमें एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहले ही पता है कि एडवांटेज तो वही है ही है कि इंश्योर्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल बेस्ड ऑन दी लॉक पॉइंट्स। ये हमें पहले से बेसिक टू फेस लॉकिंग से पता है, वही चीज़ है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योर्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी पहली एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है जो बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल से अलग है, वो ये है कि गिव्स स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल, बट बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल समटाइम्स मे गिव इररिकवरेबल शेड्यूल्स। तो ये एडवांटेज है स्टिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल की। और डिसएडवांटेजेस क्या है जो हर एक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल की है, वही इसकी भी है, वो क्या है कि एक तो डेडलॉक, स्टिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल इज नॉट फ्री फ्रॉम डेडलॉक, स्टिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल इज नॉट फ्री फ्रॉम स्टारवेशन, डेडलॉक एंड स्टारवेशन इज स्टिल पॉसिबल इन स्टिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में डेडलॉक और स्टारवेशन अभी भी पॉसिबल है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी हम पहले बात करते हैं रिग्रेस टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल की। रिग्रेस टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल अगला वेरिएशन है टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल का। अगले वेरिएशन में सिंपल सी चीज कही, जैसे आपके पास में स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग था, स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग में आपने कहा था कि बेसिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल प्लस ऑल एक्सक्लूसिव लॉक्स शुड बी हेल्ड टिल कमिट ऑपरेशन, यानी कि हर एक्सक्लूसिव लॉक जो होगा आपका वो आप कमिट ऑपरेशन के बाद ही छोड़ेंगे, कमिट ऑपरेशन के बाद ही अनलॉक करेंगे। आपने छोटी सी और एक और छोटी सी रेस्ट्रिक्शन और बढ़ाई, उसमें आपने कहा रिग्रेस टू फेस लॉकिंग। रिग्रेस में आपने कहा कि टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल प्लस ऑल लॉक्स, चाहे वो रीड लॉक हो चाहे वो राइट लॉक हो। याद रखें कि हमने स्टिक टू फेस लॉकिंग में सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉक की बात की थी, हमने कहा था कि सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉक जो है वो कमिट ऑपरेशन के बाद छोड़ने हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप रीड लॉक भी नहीं छोड़ सकते और राइट लॉक भी नहीं छोड़ सकते हो कमिट ऑपरेशन से पहले, आप कमिट होने के बाद ही रीड राइट लॉक छोड़ोगे। मस्ट बी हेल्ड अंटिल द ट्रांजेक्शन कमिट्स। सीरियलाइजेबिलिटी कैसे इंश्योर हो रही है? शेड्यूल विच आर अलाउड अंडर रिग्रेस टू फेस लॉकिंग आर सीरियलाइजेबल अकॉर्डिंग टू कमिट ऑपरेशंस। ओके, हमेशा याद रहे, पहले जब हम बेसिक टू फेस लॉकिंग की और स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग की बात कर रहे थे तो उसमें हम कह रहे थे कि जो आपका सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा वो सीरियल जो शेड्यूल होगा वो सीरियलाइजेबल होगा अकॉर्डिंग टू लॉक पॉइंट्स। लेकिन रिग्रेस टू फेस लॉकिंग में ड्यू टू दिस कंडीशन आपने कहा कि ऑल लॉक्स शुड बी हेल्ड टिल कमिट ऑपरेशन, तो आपके जो शेड्यूल्स होंगे वो सीरियलाइजेबल होंगे अकॉर्डिंग टू कमिट ऑपरेशन। ठीक है, उनका ध्यान रहे कि क्या इनके बीच में डिफरेंस है। सीरियलाइजेबल शेड्यूल जब सीरियलाइज करेंगे शेड्यूल को तो क्या 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 डिफरेंसेस हैं। अगर मैं बेसिक की और स्टिक टू फेस लॉकिंग की बात करूँ तो उसमें मैं लॉक पॉइंट्स की बात कर रहा था। लेट्स से T2 का लॉक पॉइंट यहाँ है, T1 का लॉक पॉइंट यहाँ है और T3 की लॉक पॉइंट यहाँ है, तो ये सीरियलाइजेबल होगा कैसे? T2, T1, T3। अब जो आपकी रिग्रेस टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल, इसमें हम बात कर रहे हैं कमिट ऑपरेशंस की। T1, T2, T3 ये लेट्स से रिग्रेस टू फेस लॉकिंग है और T1 कमिट, लेट्स से T3 कमिट कर रहा है पहले, उसके बाद में T1 कमिट कर रहा है, उसके बाद में T2 कमिट कर रहा है, तो ये सीरियलाइजेबल होगा शेड्यूल अकॉर्डिंग टू देयर कमिट ऑपरेशंस T3, T1, T2। तो इस रिग्रेस टू फेस लॉकिंग शेड्यूल्स में हम लॉक पॉइंट्स नहीं देखेंगे, हम कमिट ऑपरेशंस देखेंगे जब हम बात करें इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल की। ओके, ये है आपका रिग्रेस टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल, जिसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन है स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग से, वो है कि रीड लॉक एंड राइट लॉक शुड बी हेल्ड टिल द कमिट ऑपरेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल की बाय डायग्रामेटिक वे, लेट्स आपके पास में कोई ट्रांजेक्शन है, आपने लगाया शेयर्ड लॉक ऑन ए, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी, शेयर्ड लॉक ऑन सी, शेयर्ड लॉक ऑन डी। ठीक है, तो ये चल रही है, इस पर आपने लॉक करने के बाद में यूज़ किए, फिर आप अनलॉक करोगे। आप ए को अनलॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अनलॉक कर सकते हो सी को, अनलॉक कर सकते हो डी को, लेकिन जो बी है ऑपरेशन है, जो डेटा आइटम बी है, यहाँ पर T1 ने कमिट किया और बी को आप कमिट के बाद ही अनलॉक कर सकते हो। यह है स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग की डेफिनेशन। मतलब क्या है कि एक्सक्लूसिव लॉक शुड बी हेल्ड टिल द कमिट ऑपरेशन, कमिट ऑपरेशन के बाद ही छोड़ने हैं जो आपके एक्सक्लूसिव लॉक्स हैं। ठीक है, शेयर्ड लॉक को आप पहले ही छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमिट ऑपरेशन से पहले ही छोड़ सकते हो।
लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक को कमिट ऑपरेशन होने के बाद ही छोड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ रिग्रेस टू फेस लॉकिंग की बात, तो रिग्रेस टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में सिंपल सा क्या हो रहा है, आपके पास में ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन में कुछ लॉक्स हैं लाइक दिस, शेयर्ड लॉक ऑन ए सी, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन डी। तो उसमें हम कह रहे हैं कि सारे लॉक, हर एक लॉक, ऑल लॉक्स शुड बी हेल्ड टिल कमिट ऑपरेशन, कमिट के बाद ही सारे सारे के सारे डेटा आइटम्स आप अनलॉक करोगे, अनलॉक ए, अनलॉक डी, अनलॉक सी, अनलॉक बी। तो कमिट ऑपरेशन के बाद ही, चाहे वो शेयर्ड लॉक हो चाहे वो एक्सक्लूसिव लॉक हो, हर एक लॉक को आप कमिट ऑपरेशन के बाद ही अनलॉक करेंगे। स्टिक टू फेस लॉकिंग में सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉक की बात कर रहे थे, रिग्रेस टू फेस लॉकिंग में हर एक लॉक की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंस है इन दो में। तो रियल लाइफ में मोस्ट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम्स में हम क्या यूज़ करते हैं, या तो हम स्टिक टू फेस लॉकिंग यूज़ करते हैं या फिर रिग्रेस टू फेस लॉकिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद में आपके पास में लास्ट वेरिएशन है टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल का, वो है कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो अभी तक हम जितने भी बात कर रहे थे, जितने प्रोटोकॉल आपने देखे हैं, बेसिक टू फेस लॉकिंग, स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग या फिर रिग्रेस टू फेस लॉकिंग, तो प्रोटोकॉल दो ही तरह के होंगे, अग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव। तो जो भी अभी तक तीन प्रोटोकॉल हमने पढ़े हैं, बेसिक, स्ट्रिक्ट एंड रिग्रेस, वो सब अग्रेसिव टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल्स थे। अग्रेसिव का मतलब ये है कि आप क्या करो, डेटा आइटम आपके हाथ में, अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है, जिस टाइम ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है उसके पास में कुछ नहीं है, जो भी वो डिमांड करेगा, तो ट्रांजेक्शन टी स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद में जो भी उसको डेटा आइटम चाहिए, वो डेटा आइटम स्टार्ट होने के बाद में रिक्वेस्ट करेगा। ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, उसने कहा मुझे डेटा आइटम ए चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट करेगा कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर को, अगर डेटा आइटम मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो वो वेट करेगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम ये चलता रहेगा, ट्रांजेक्शन कोई भी ट्रांजेक्शन आएगा वो डेटा आइटम रिक्वेस्ट करेगा, डेटा आइटम मिल गया तो एग्जीक्यूट कर जाएगा, नहीं मिला तो वेट करेगा। लेकिन कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग कहता है कि मुझे वेट नहीं करना है, ठीक है, मुझे हर एक डेटा आइटम जो भी मुझे यूज़ करने होंगे एग्जीक्यूट होने के लिए, वो सब मुझे स्टार्ट होने से पहले ही चाहिए, कंजर्वेटिव है, वो कंजर्व करके रखना चाहता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, लेट्स से ट्रांजेक्शन टी है और उसको कुछ डेटा आइटम्स चाहिए, लेट्स से एक्स वाई जेड, तो ये क्या करेगा, इन सब पे लॉक ले लेगा पहले ही। ट्रांजेक्शन टी जो है वो स्टार्ट होने से पहले ही उन सब पे लॉक ऑब्टेन कर लेगा, स्टार्ट होने से पहले, रिमेंबर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल है उसमें ग्रोइंग फेस नहीं है। ग्रोइंग फेस क्यों नहीं है, क्योंकि स्टार्ट होने से पहले आपने लॉक कर चुके हो सारे डेटा आइटम्स को। नॉर्मली क्या होगा, बाकी सब जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें आप स्टार्ट होने के बाद में लॉक्स करते हो, लेकिन इसमें हम पहले ही स्टार्ट होने से पहले ही लॉक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रांजेक्शन टी, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि आपने शेयर्ड मोड में ए को लॉक किया, रीड किया, उसके बाद में अनलॉक किया, तो ये आपका ग्रोइंग फेस है। लेकिन अब बात करो अगर कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग की, ये ट्रांजेक्शन टी स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने से पहले आपने क्या कर चुके हो, उन सबको लॉक कर चुके हो, यहाँ पे ये स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है, इससे पहले आप लॉक कर चुके हो उसको, अब लॉक यहाँ कर चुके हो, तो यहाँ पे सिंपली आप रीड करोगे एंड देन उसके बाद में अनलॉक करोगे। ठीक है, जो लॉकिंग वाली प्रोपोजिशन है वो ट्रांजेक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही है, तो इसमें सिर्फ श्रिंकिंग फेस होगा। कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग में श्रिंकिंग फेस है, ग्रोइंग फेस नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग कहता है कि आई विल ऑब्टेन ऑल द लॉक्स बिफोर स्टार्टिंग। सो एक कंडीशन क्या है, जो कंडीशन है, कंडीशन की बात करें अगर कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग में, ऑब्टेन ऑल द लॉक्स रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांजेक्शन। जो भी लॉक्स चाहिए, चाहे वो रीड लॉक हो, चाहे राइट लॉक हो, फॉर एग्जाम्पल, या तो वो शेयर्ड लॉक हो या एक्सक्लूसिव लॉक हो, हर एक लॉक आप स्टार्ट होने से पहले ही ऑब्टेन कर लोगे। डॉट तो डेफिनेटली डेड लॉक तो होगा ही नहीं होगा। डॉट डेड लॉक क्यों नहीं होगा, कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग में डेड लॉक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको जो भी डेटा आइटम चाहिए वो आप पहले ही लेके बैठ चुके हो, ओके, एडवांस में ही ले चुके हो, तो आपको वेट ही नहीं करना पड़ेगा किसी डेटा आइटम के लिए। आपको पता है कि मुझे एग्जीक्यूट होने के लिए ए बी सी डी चाहिए, आपको ए बी सी डी पहले ही मिल गया स्टार्ट होने से, तो आप क्या करोगे, बस एग्जीक्यूट करोगे, डेटा आइटम को रीड करोगे या राइट करोगे, उसके बाद में अपना कंप्लीट कर जाओगे। तो बीच में आप जब एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको वेट ही नहीं करना पड़ रहा है किसी भी डेटा आइटम के लिए, तो डेडलॉक हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्या है, एक्चुअल में रिसोर्सेज जो है वो शेयर नहीं हो सकती, रिसोर्सेज शेयर नहीं हो सकती, तो मतलब क्या है कि रिसोर्सेज का प्योर यूटिलाइजेशन, जो यूटिलाइजेशन है वो पुअर होगा, तो इसीलिए इसमें डेडलॉक तो नहीं है, लेकिन कंजर्वेटिव है काफ़ी, तो परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, कैस्केडिंग रोल बैक इज स्टिल पॉसिबल। कैस्केडिंग रोल बैक हम देख चुके हैं कि उसमें कैस्केडिंग रिकवरेबल शेड्यूल्स में हम देख चुके हैं, अगर एक ट्रांजेक्शन के फेल होने से कई सारी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन भी फेल हो जा रही हैं, तो वो कैस्केडिंग रोल बैक है, मतलब रोल बैक जो हो रहा है वो कैस्केडिंग में हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई सारी जो है वो रोल बैक कर गई। क्योंकि कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल जो है वो
वो कभी भी कमिट ऑपरेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर कमिट ऑपरेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कैस्केडिंग रोलबैक के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि कैस्केडिंग रोलबैक कहता है कि नो अनकमिटेड रीड इज अलाउड। यहाँ पे हम कमिटमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं कंजर्वेटिव में, तो डेफिनेटली कैस्केडिंग रोलबैक्स आर स्टिल पॉसिबल। सेकेंड ये है कि बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ें कि आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि किसी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कितनी रिसोर्सेज चाहिए होंगी या कितने डेटा आइटम्स चाहिए होंगे। डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट व्हाट डेटा आइटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए ट्रांजेक्शन बिफोर इट स्टार्ट्स। थर्ड थिंग ऑब्वियसली डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, ये ऐसे ही है जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि किसी भी प्रोसेस को कितना बस टाइम चाहिए होगा, तो जब तक कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रही आप उसमें ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि उसको एग्जीक्यूट होने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्योंकि कोई भी प्रोसेस, कोई भी ट्रांजेक्शन रिसोर्सेज जो है वो डायनेमिकली ही रिक्वेस्ट करती है, तो आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ये डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। तो आप चार प्रोटोकॉल देख चुके हैं, बेसिक टू फेस लॉकिंग, स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग, रिगरेस टू फेस लॉकिंग एंड कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो समरी देखते हैं हम अभी तक क्या देख चुके हैं टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल्स में। इन शेट लॉक मोड ट्रांजेक्शन कैन ओनली रीड द डेटा आइटम, बट इन एक्सक्लूसिव मोड ट्रांजेक्शन कैन परफॉर्म बोथ रीड एंड राइट। अगर कोई डेटा आइटम आपने शेड मोड में लॉक किया है तो आप सिर्फ रीड कर सकते हो, इसीलिए शेड मोड लॉक को हम रीड लॉक भी बोलते हैं। अगर आपने कोई भी डेटा आइटम एक्सक्लूसिव मोड में लॉक किया हुआ है तो आप उसको रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। सेकेंड है टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल इंश्योर्स ओनली कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। कोई भी टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल होगा उसमें सिर्फ हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वीक सीरियलाइजेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। बेसिक टू फेस लॉकिंग इज नॉट फ्री फ्रॉम इररिकवरेबिलिटी। बेसिक टू फेस लॉकिंग में इररिकवरेबल शेड्यूल्स आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि कोई शेड्यूल आया और वो बेसिक टू फेस लॉकिंग ने अलाउ कर दिया, वो सीरियलाइजेबल तो है बट इररिकवरेबल नहीं है, ऐसा हो सकता है। स्ट्रिक्ट टू, इसलिए हमारे पास में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग है। स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल गिव शेड्यूल्स विच आर स्ट्रिक्ट रिकवरेबल एंड सीरियलाइजेबल। यही हम चाहते थे कि हम हमारे पास में जो शेड्यूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल हो एंड सीरियलाइजेबल हो, यही मेन गोल था टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल्स का, कोई भी लॉकिंग प्रोटोकॉल का। लास्ट में है टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल इज नॉट फ्री फ्रॉम डेडलॉक एंड स्टारवेशन। ओके, कोई भी टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल होगा एक्सेप्ट वन, दैट इज कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल, बट वो हम रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। प्रेडिक्शन बहुत सारी करनी है, वो हम कर नहीं सकते हैं, तो रियल लाइफ में हम रिगरेस टू फेस लॉकिंग या फिर स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यह है आपका पूरा टू फेस लॉकिंग के बारे में। अगला हमारा प्रोटोकॉल है ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम्स।